हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, अभी दोपहर का समय है और मैं सुबह का सारा काम कर ली हूँ, नहाकर खाना भी खा ली हूँ और कुछ देर आराम भी कर ली हूँ। उसके बाद सोची कि चलो, बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ आदमी को करते रहना चाहिए। तो ये मेरे घर में एक पुराना कंबल था जो इसका कोई यूज नहीं था, तो मैं सोची कि इसका कुछ बना देती हूँ। तो अगर आप लोग के पास भी अगर कोई पुराना कंबल हो तो आप लोग देखिए मैं क्या बनाती हूँ, और फिर आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। ये है तो पुराना कंबल, लेकिन इससे बहुत ही ज़्यादा यूज की चीज़ अभी बनने वाली है। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें और देखें मैं क्या बनाती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, आसनी बनाने, जिस पर बैठकर हम लोग पूजा करते हैं। तो हम सभी के घर में कोई ना कोई आदमी पूजा करते ही हैं और आसनी की ज़रूरत होती ही है। तो चलिए दोस्तों, मैं पूजा करने के लिए आसनी बनाती हूँ। तो ये मेरे पास कंबल था, उसे मैं बीच से दो टुकड़े में कट कर ली हूँ। उसके बाद एक टुकड़े को एक फोल्ड करके रखी हूँ, और ये जो दुपट्टा है मैं ऊपर से इसको कवर के रूप में लगाऊंगी। तो ये भी एक बार जल गया था, इसका भी कोई यूज नहीं था। तो मैं जो कंबल फोल्ड करके रखी हूँ उसी के बराबर में इस दुपट्टे को काट ली हूँ। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में कवर लगाते हैं उसी टाइप से मैं बनाऊंगी। तो मैं कंबल और दुपट्टे को दोनों को बराबर से काट ली हूँ। उसके बाद चलिए अब मैं इसे मशीन पर सिलूंगी। तो ये है मेरा मशीन जो उषा कंपनी का है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जब लाइट रहती है तभी हम इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चारों तरफ से इस पे धागे चला लूंगी। और इसका कपड़ा बराबर से रहे इसके लिए मैं इसमें पिन लगा दी हूँ। और मैं अभी इसका दो तरफ ही सिलाई चलाई थी कि मशीन का जो सुई होता है वो टूट गया, और मेरे पास एक ही सुई था। तो अभी मैं इसको रख दूंगी और जब अब सुई आएगी फिर मैं इसे सिल पाऊंगी। तो मैं पापा को बोल दी हूँ कि पापा सुई ला दीजिए, अब उनको याद रहेगा, फिर लाएंगे। तो दूसरे दिन मेरा सुई आ गया मशीन का। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का सिलाई मैं करती हूँ। आप लोग भी ब्लॉग में बने रहें और देखें मैं पुराने कंबल से कैसे पूजा करने की आसनी जो होता है वो बनाती हूँ। तो उस दिन मैं बस दो तरफ ही सिली थी, आगे के दो तरफ अभी सिल लेती हूँ। तो दोस्तों, अब एक तरफ और बचा हुआ है, अब थोड़ी देर में हो जाएगी। और अब मैं चारों तरफ से अच्छी तरह से सिलाई लगा ली हूँ। तो चलिए अब इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं काट लेती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के गांव से रिलेटेड वीडियो और नई नई तरह के वीडियो लेकर आती रहूँगी। और ये जो ब्लॉग है ये बिल्कुल नए तरीके का है, मैं इस तरह के ब्लॉग अभी नहीं बनाई हूँ। तो दोस्तों, अब देखिए मैं चारों तरफ जो कंबल के बाद एक्स्ट्रा बचे हुए जो कपड़े हैं उसको काट लेती हूँ अच्छी तरीके से। दोस्तों, तो आप लोग ने देखा कि मैं चारों तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे काट ली हूँ। अब बस एक ही तरफ बाकी है और अब मैं उसे भी काट ली। उसके बाद अब मैं इसमें एक जो पाउडर होता है उसके रूप में लगाऊंगी चारों तरफ से। तो पाउडर लगाने के लिए भी हमने घर से बेकार कपड़े लिए हैं जिसका कोई यूज नहीं था। तो ये पीला कलर का है, इसमें लगेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मैं जो मिस यूज होने वाली कपड़े थी उसे ले लिया है और उसे अच्छी तरह से मैं बराबर से काट लूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें मैं कैसे पूजा करने की आसनी सिलती हूँ, और बिल्कुल फ्री में। ये घर में आज न कल ये फेंका ही जाता है ये चीज़। तो चलिए मैं आज कुछ अच्छी कर लेती हूँ और आप लोग भी इस टाइप ज़रूर बनाइएगा।
तो मैं इस कपड़े को बराबर से अब काट ली हूँ और उसके बाद मैं इसमें पिन से सेट कर दूंगी। मुझे जिस टाइप से सिलना है पिन से सेट किया हुआ रहता है तो ये होता है कि सिलने के टाइम आगे पीछे नहीं होता है और आसानी से जल्दी जल्दी हम सी पाते हैं। तो अब मैं कपड़े को पिन से सेट कर ली हूँ आसनी में, उसके बाद मैं मशीन चलाऊंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे का बॉर्डर लगा लेती हूँ इसमें। तो दोस्तों अभी मैं सिलाई कर ही रही थी, पूरा बॉर्डर भी नहीं ख़त्म हुआ था और तब तक जो दूसरा सुई था वो भी टूट गया। तो अब मैं आगे कैसे सिलाई करूँगी? अगर इसे रख दूँगी तो फिर पता नहीं ये रखे रखे ऐसा होगा कि कभी फेंका जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो चलिए मैं अब हाथ से ही सी लेती हूँ क्योंकि मुझे तो सिलना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि मैं आज इसे कम्प्लीट कर ही लूँगी। तो यहाँ दूसरा सुई भी टूट गया है और मम्मी यहीं पे बैठी हुई थी इसलिए मैं कुछ नहीं बोली और ऐसा सो की जिससे मम्मी को पता नहीं लगा कि सुई टूट गया है। और अब मैं हाथ से सिल रही हूँ। हाथ से भी सिल जाता लेकिन थोड़ा टाइम लगता और गर्मी का दिन है इसलिए मैं सोची कि चलो मशीन पर ही सिलूँगी, लेकिन मशीन हमें आज नहीं सिलने दिया। दो दो सुई टूट गया और एक सुई अभी बचा हुआ है, लेकिन मुझे और कपड़े भी सिलने हैं इसलिए मैं छोड़ दी और हाथ से ही आगे का सिलाई कर लेती हूँ। तो फाइनली दोस्तों अब दो सुई टूटने के बाद हमारा जो आसनी है वो सिल चुका है। आप लोग भी यहाँ देख सकते हैं आसनी सिलकर हो चुका है तैयार। और मैं अब इस पे बैठकर आप लोग को दिखा देती हूँ कितना जो आसनी होता है, जो मार्केट से आया है, मेरे पास भी है दो तीन। तो जब मैं उस पे बैठती हूँ तो ऐसा होता है कि कभी छोटा रहता है तो कभी पतला इतना रहता है कि बैठने के बाद ज़्यादा देर बैठने से ऐसा होता है फर्श पे कि सरद लग जाती है। लेकिन ये आसनी जो है उस पे कितना भी मोटा आदमी बैठ सकता है और सरद भी नहीं लगेगी, ये मोटा है। तो चलिए मैं आसनी सिल ली हूँ। इसके बाद सिलाई करने के बाद ऐसा होता है कि थोड़ा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, तो मैं अब इसको अच्छे से रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसे मैं अब डिब्बा में रख देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर ज़रूरत होगा तो मैं निकालूँगी। नहीं तो ऐसे ही होता है कि ये सब में धूल ये सब पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आज मैं बहुत सारे कपड़े भी साफ़ की थी तो उसको अब सूख गया है, फोल्ड कर लेती हूँ। और शाम भी हो गई है तो अभी से तो और ज़्यादा काम बढ़ गई है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है और मैं इसी तरीके के गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी और नॉर्मल रेसिपी और जो भी घर में बचे खुचे सामान है उससे अगर कुछ अगर बन सकता है तो वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर अब यहाँ पे पापा भी आ गए थे कुछ सामान लेकर मार्केट से, तो उन्होंने बोला कि लिस्ट मिला लो कि वो सब सामान मैं लाया हूँ कि नहीं। तो चलिए मैं मिला लेती हूँ और आप लोग भी देख लीजिए। और अभी लाइट कट गया था फिर आ गया। तो पापा लाए हैं हाथ धोने के लिए हर्बल फेस हैंड वॉश, उसके बाद फेस वॉश और ये है शैम्पू, और हमारे यहाँ सेंधा नमक ही यूज होता है तो वो लाए हैं। और सेंधा नमक वैसे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आप लोग भी सेंधा नमक ही यूज कीजिए। और ये है फेस वॉश, ये सारे कुछ पतंजलि के ही हैं। और ये बर्तन धोने की डिश वॉश है और ये ऐसा हर्बल डिश वॉश है कि इससे बर्तन धोने के बाद जो हमारा हाथ होता है बिल्कुल भी रफ नहीं होता है। और ये है साबुन जो हम लोग बॉडी में लगाते हैं।
और बहुत सारा बर्तन धोने की साबुन पापा ले आए हैं, क्योंकि बर्तन धोने की साबुन है ये आदमी के लगाने वाले साबुन से ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैं ज़्यादातर सामान पतंजलि का ही यूज करती हूँ। अगर आप लोग को भी पसंद आए तो ज़रूर यूज कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलती हूँ आगे का काम करने। तो अब मैं रूम को भी ठीक कर लेती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, और शाम का टाइम मैं चारों तरफ ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ और हर जगह को अच्छा कर देती हूँ, ताकि दिन भर जो भी सामान अस्त व्यस्त होते हैं फिर से ठीक हो जाए और अच्छा लगने लगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों कपड़ा सिलने के बाद ये बहुत सारे कपड़े बच गए हैं जिसे मैं नेक्स्ट दिन सिलूंगी। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से रख देती हूँ, और नहीं तो इधर उधर सामान हो जाएंगे, फिर मुझे सिलने के टाइम पे नहीं मिलेंगे। तो अब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और यहीं पे अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड। तो दोस्तों अगर मेरी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।